Dear students, good morning. Today we will do chapter number 7 of Kantapura. In the last video, we discussed about chapter number 6 in which Murthy went to Skeffington Coffee Estate to teach the coolies. But जैसे ही मूर्ति वहाँ पहुँचता है गेट पर तो बड़े खान एंड अदर पुलिसमैन एंड अदर मैस्त्री एंड अदर्स पीपल ऑफ स्केफिंगटन कॉफी एस्टेट वो वहाँ एक लाठीचार्ज हो जाता है और लड़ाई झगड़े की वजह से गाली गलौज की वजह से मूर्ति को वापस आना पड़ता है एंड मैस्त्री भी रचना प्रयास को उसके घर से निकाल देता है और वहाँ वो नीचे कांथापुरा में आता है और पटेल उसके रहने का इंतजाम करता है मूर्ति एंड पटेल और तिमैया के घर वो रहता है। बट नाउ मूर्ति फील्स वेरी सैड कि अहिंसा नॉन वायलेंस जो महात्मा गांधी जी का जो नियम था वो टूट गया है क्योंकि वहाँ वायलेंस हो गया है स्केफिंगटन कॉफी एस्टेट में वो जब वो गया था। तो इस वजह से मूर्ति को बड़ा गिल्ट फील होता है और वो पिनेंस तपस्या करना चाहता है पश्चाताप करना चाहता है फास्टिंग से। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन कि एंड दिस इज हाउ इट ऑल बिगेन दैट इवनिंग मूर्ति स्पीक्स टू रंगमा ऑन द वरांडा एंड टेल्स हर ही विल फास्ट फॉर 3 days इन द टेम्पल। उसने कहा मैं 3 दिन फास्टिंग करूँगा एंड रंगमा सेज वट फॉर मूर्ति मूर्ति सेज दैट मच वायलेंस हैड बीन डन बिकॉज ऑफ हिम एंड देयर एंड दैट वर ही फुल ऑफ द रेडियंस ऑफ अहिंसा सच थिंग शुड नेवर हैव हैपन्ड। तो कहते हैं मेरी वजह से वहाँ हिंसा फैल गई और मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ अहिंसा का पालन करना चाहता हूँ अहिंसा का ही पालन होना चाहिए। बट रंगमा सेज दैट वाज नॉट योर फॉल्ट मूर्ति टू विच ही रिप्लाइज उसने कहा तुम्हारा तो फॉल्ट नहीं है मूर्ति बट रंगमा सेज सॉरी द फॉल्ट ही रिप्लाइज द फॉल्ट ऑफ अदर्स रंगमा इज द फ्रूट ऑफ वंस ओन डिसहारमनी एंड साइलेंटली ही विल वॉक्स डाउन द स्टेप्स एंड वॉक्स अप टू द टेम्पल वी आर सीटेड बिसाइड द सेंट्रल पिलर ऑफ द मंडप ही बिगिन्स टू मेडिएट और वो ये कहकर रंगमा को कि नहीं नहीं ये फॉल्ट द फॉल्ट ऑफ अदर्स ये है जो फ्रूट ऑफ ओन डिसहारमनी यदि मैं खुद अपनी डिसहारमनी की वजह से ही दूसरों का फॉल्ट होता है दूसरों का दोष होता है मीन्स उसमें मैं भी शामिल हूँ मैं दोषी हूँ मैं मानता हूँ अपने आप को दोषी और वो ये कहकर मंदिर में चला गया फास्ट रखने के लिए। तो मूर्ति सेड हिज गायत्री थ्राइस अ थाउजेंड एंड 8 times एंड वेन द सेंक्टम लाइट्स बिगेन टू फ्लिकर ही स्प्रेड आउट हिज अपर क्लोथ ऑन द फ्लोर एंड लेट हिमसेल्फ डाउन तो वहाँ वो तपस्या करते हैं गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। बट वन कम्मा जो कि रंगमा की वो सिस्टर लो है वो आती है वहाँ और वो कुछ कुछ बोलती है। जब वेनकम्मा मंदिर आती है तो उसे तपस्या करते हुए देख के फास्टिंग करते हुए देख के उसे बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील होता है और वो ऐसे ही गालियाँ देनी शुरू कर देती है मीन्स जैसे वाटरफॉल वेनकम्मा हु राउज्ड हिम विद हर लाउड लाफर आ द कैट हैज़ बिगन टू टेक टू एसेस्टिज्म से ओनली टू कमिट मोर सेंस कहते अच्छा देखो बिल्ली हज को चली और अब ये इतने पाप करके अब ये धर्मात्मा बन गया। ही सन वैन डिड यू बिगिन टू लाई टू योर नेबर्स एज दो इट वर नॉट इनफ टू हैव पोल्यूटेड अवर विलेज विद योर परियाज तो कहते देखिए पड़ोसियों को तुमने करप्ट करना शुरू कर दिया और एज दो इट वर नॉट इनफ टू है तुमने गांव वालों को पोल्यूट कर दिया प्रयास के साथ जा कर एंड नाउ यू वांट टू पोल्यूट अस विद योर जेल्डेड प्योरिटी और तुम अपनी झूठी पवित्रता के साथ अब हमें करप्ट करने आ गए हमें पोल्यूट करने आ गए। वेट वेट व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस काउंटिंग ऑफ बीड्स आई शैल गिव यू ए फाइन वेलकम विद माई ब्रूमस्टिक और जब ये तुम माला फेरना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें झाड़ू से अच्छी तरह
बताऊंगी कि कैसे करते हैं। बट एज मूर्ति डज नॉट मूव, सी पुट्स हर हैंड इन टू हर क्लोथ बास्केट एंड टेकिंग आउट ए वेट रोल ऑफ साड़ी, सी होल्ड्स इट ओवर हिज हेड एंड स्क्वीज़ेस इट। पर तो मूर्ति हिला नहीं और वो वहाँ पर ऐसे ही अपनी गीली साड़ी को निचोड़ने लगे। दिस इज़ एन ऑब्लेशन टू दी परिया, से सी, एंड एज सी सीज रंगमा सिस्टर सिथम्मा ड्रॉइंग नियर, सी लाफ्स एट मूर्ति एंड लाफ्स अगेन, एंड देन सी जैबर्स एंड साउट्स एंड गोज अवे स्टिल चैटरिंग टू हरसेल्फ। जैसे ही उसने रंगमा की सिस्टर सिथम्मा को देखा तो और ज़्यादा हंसने लगी, गलत तरीके से हंसने लगी और चिल्लाने लगी और सिर अपने आप से ही बातें, हाँ ऐसा है मूर्ति, अब तो ऐसे मींस अब आप तपस्या करोगे, अब आप तपस्वी बनोगे, ऐसे ऐसे कहकर वो चल रही थी। मूर्ति लूजंस हिज लिम्स एंड होल्डिंग हिज ब्रेथ सेज टू हिमसेल्फ, आई शैल लव इवन माई एनिमीज। जैसे ही मूर्ति अपनी सांस का लेता है तो वो कहता है कि मैं अपने दुश्मन को भी प्यार करता हूँ, क्योंकि महात्मा ये मैसेज देते हैं कि सभी से प्यार करो। द महात्मा सेज ही वुड लव इवन अवर एनिमीज, एंड क्लोजिंग हिज आईज टाइटनिंग सी ही स्लिप्स बैक इन टू द फोल्डलेस सीथ ऑफ द सोल एंड सेंड्स आउट रेज ऑफ लव टू द ईस्ट, रेज ऑफ लव टू द वेस्ट, रेज ऑफ लव टू द नॉर्थ, एंड रेज ऑफ लव टू द साउथ, एंड लव टू द अर्थ बिलो एंड टू द स्काई अबव। मतलब वो सभी तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी में प्यार की रेज को फैलाता है, आसमान और धरती पर सभी पर। Such exaltation creeping into his limbs and head that his heart begins to beat out a song and the song of Kabir comes into his mind. अब जैसे ही वो ऐसे सोच रहा है, लव्स की रेज फैला रहा है, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो उसके मन में कबीर का एक गीत आता है, द रोड टू द सिटी ऑफ लव इज़ हार्ड ब्रदर, इट्स हार्ड, टेक केयर एज यू वॉक अलॉन्ग इट। तो उसके माइंड में वही कबीर का दोहा कि भाई प्यार का रास्ता है जो वो बड़ा मुश्किल है, इसलिए टेक केयर और ऐसे ही चलता रहो। और जैसे जैसे फास्टिंग करता जाता है वैसे वैसे उसकी आत्मा राइज करती है, मीन्स उसे संसार वर्ल्डली संसार झूठा लगने लगता है और वो आत्मा से परमात्मा के मिलन को फील करता है। जैसे प्रहलाद होलिका प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई थी परंतु प्रहलाद जला नहीं और होलिका जल गई थी, तो ऐसे ही वो याद कर रहा है ऐसी बातें और ऐसे ही फील करते हैं। देखिए जो हाईलाइट मैंने सेंटेंस किए हुए हैं उसको मैं पढ़ रही हूँ अभी। His closed eyes led him to say his prayers, and he remembered the child Prahlad who had said Hari was everywhere, and he said to himself. फिर वो प्रहलाद को याद करता है कि जैसे हर उसने कहा था कि हरी हर जगह है, जब उसके फादर ने कहा कि हरी मैं हूँ भगवान मैं हूँ, बट उसने कहा नो नो यू आर नॉट भगवान, भगवान तो हर जगह है। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने स्वयं को कहा मूर्ति ने, आई सेल सी हरी टू, मैंने भी हरी को देखा, एंड ही हैड हेल्ड हिज ब्रेथ थर्स्ट एंड द बीटिंग ऑफ द क्लोथ सैंक इन टू हिज ईयर्स एंड द सन साइन सैंक अवे इन टू हिज माइंड and his limbs sank down into the earth and then there was a dark burning light in the heart of sanctum and many men with beards and besmeared with holy ashes stood beside the idol silent their lips gently moving and he too entered the temple like a sparrow। अब वो जब स्नान करने गया तो वहां से वापस आया था तो उसे फील हुआ था कि सॉरी वो याद करा ऊपर, देखिए मैं ऊपर से पढ़ती हूँ। वंस हावर इन चाइल्डहुड ही हैड फेल्ट दैट वाइटल सॉफ्टनेस, वंस ही वॉज सीटेड बाय द रिवर, वंस हावर इन चाइल्डहुड ही हैड फेल्ट दैट वाइटल सॉफ्टनेस, जो सॉफ्टनेस उसे फास्टिंग में फील हुई थी वैसे ही उसने कहते हैं सॉफ्टनेस मुझे बचपन में फील हुई थी एक बार। वंस ही वॉज सीटेड बाय द रिवर वाइल हिज मदर वॉज वॉशिंग द क्लोथ एंड द सॉफ्ट लीप ऑफ वाटर्स Our smooth boulders so lulled him to quiet that he closed his eyes and his eyes closed led him to say his prayers and he remembered that the sea that child Prahlad who had said Hari everywhere he said to himself। देखिए जो कहते चाइल्डहुड में जब मैं बचपन में नदी के किनारे बैठा था और मेरी माँ कपड़े धो रही थी तो मुझे भी ऐसे ही बड़ा फील हुआ था जब मैंने आंखें बंद की थी एक बार,
और ऐसे ऐसे मेरी सारी की सारी बॉडी में ऐसे कंपन फील हुई मुझे कि देखो तो आई शैल सी हरी टू। मैंने कहा था कि मैं भी हरी को मिलूँगा। एंड ही हैड हेल्ड हिज ब्रेथ हास्ट, और सांस रोक ली थी, सांस क्लोथ सिंक हो गई थी ईयर जैसे जैसे सन सन सेंकने, जैसे उसके माइंड में सूरज है जो चमकता हुआ सूरज श्रिंक हो रहा है, ऐसे फील हुआ सेंक हो रहा है, हिज लिम्स सेंक डाउन इन टू द अर्थ, जैसे उस धरती में उसके सारे अंग मिल रहे हैं। तो ऐसे बर्निंग डार्कनेस की वजह से ख़त्म होगी और वो लाइट उसकी नज़र आई। तो देन देर वॉज ए डार्क बर्निंग लाइट इन द हार्ट ऑफ द सेंक्टम एंड मैनी मैन विद बियर्ड्स, कि बहुत सारे आदमी और औरतें वहाँ मूर्ति के सामने मंदिर में आए एंड मैंने भी एंटर किया लाइक ए स्पैरो एक चिड़िया की तरह। ही सैट ऑन ए हैंडल ऑफ द कैंडेलाब्रा एंड एज ही लुक्ड फेयरफुली एट द होली फ्लड सडनली स्वेप्ट इन फ्रॉम ऑल द डोरवेज ऑफ द टेम्पल, बीटिंग वर्लिंग फ्लड्स डार्क एंड ब्राइट, एंड ही क्वाइटली सैंक इन टू दैम एंड फ्लोटेड अवे लाइक चाइल्ड कृष्णा ऑन द पीपल लीफ। But it was so bright everywhere that he opened his eyes and he felt so light and airy that his mother looked near and small like at the foot of a hill. And up there over the mountains there was nothing but light and light and that cool blue spreading light had entered his limbs. कहते हैं मैं वो भी बैठ गया जैसे कि एक स्पैरो की तरह वहाँ, और ऐसे लगा सडनली एक फ्लड ऑलवेज ऑफ द टेम्पल के दरवाजे से ऐसे जैसे फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई, बीटिंग वर्लिंग फ्लड्स डार्क एंड ब्राइट, अंधेरा और रोशनी दोनों ही, ही क्वाइटली सैंक इनटू देम एंड फ्लोटेड अवे, उस बाढ़ में वो डूब गया और वो तैरने लगा लाइक ए चाइल्ड कृष्णा कृष्णा की तरह, जैसे ऑन द पीपल जैसे पीपल लीफ पर कृष्णा बैठ कर तैर गया तैर रहा था वैसे ही मैं तैर रहा था। एंड इट और वो इतनी ब्राइट रोशनी थी कि मेरी आंखें खुल गई और मुझे इतना लाइट फील हुआ, इतना एरी फील हुआ कि मेरी दैट हिज मदर लुक नियर एंड स्मॉल लाइक वन ओ एट द फुट ऑफ अ हिल, और मेरी मदर ऐसे दिखाई देने लगी मुझे जैसे पहाड़ से ऊपर से कोई नीचे छोटा सा दिखाई देता हो। मीन्स अपने आप को ऐसे फील किया उसने जैसे वो किसी पहाड़ पर हो और उसकी मदर नीचे छोटी सी नज़र आ रही हो। मीन्स उसे बहुत ही कूल लाइट फील हुआ और एक उसके पूरे अंग में एक लाइट रोशनी फैल गई। आज भी उसे ऐसे ही फील हो रहा है, और डीपर फील हो रहा है। जैसे जैसे वो फास्टिंग कर रहे हैं तो रंगमा भी उसके पास, वो सिर्फ सॉल्टेड वाटर ही पीता है और 3 दिन कोई भी उसे खाने के लिए गए बट वो मना कर देते हैं। तो रंगमा उसे कहते हैं खाना खा लीजिए बट वो नहीं खाता और वो सिर्फ सॉल्टेड वाटर पीते हैं। उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है फास्टिंग की वजह से। बट दिस मॉर्निंग ही सोल साउंड, अब उसकी आत्मा और भी डीप हो गई है जैसे जैसे वो फास्टिंग और तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बट दिस मॉर्निंग ही सोल साउंडेड डीपर स्टिल, वाई ही बिगेन टू आस्क हिमसेल्फ, नो आंसर केम, बट ही मस्ट डीपर इन टू हिमसेल्फ एंड रेडियंस पावर आउट ऑफ हिज बॉडी एंड ही सीम टू राइज सीयर इन टू द एयर। उसे वो पूछता है अपने आप से कि वो इतना डीपर कैसे जा रहे हैं, इतना डीप इतनी गहराई कैसे हो रही है, परंतु कोई आंसर उसे नहीं मिलता और ज़्यादा वो गहराई में मर्ज हो जाता है और ज़्यादा चमक उसकी बॉडी और उसके चेहरे पर आ जाती है। दैट वॉज वाई वेन रत्ना केम टू सी हिम, अब इतनी ज़्यादा उसे प्योरिटी फील होने लगी, इतनी आध्यात्मिकता में चला गया वो कि जब रत्ना आती है तो रत्ना के प्रति जो पहले फीलिंग्स थी उसकी वो अब चेंज हो गई है, जैसे कि सेंटेंस क्लियर है। दैट वॉज वाई वेन रत्ना केम टू सी हिम ही फेल्ट देर वॉज समथिंग डिफरेंट इन हिज फीलिंग टूवर्ड्स हर। Her smile did not seem to touch his heart with delicate satisfaction as it did before. जैसे रत्ना के पास प्रति पहले फीलिंग थी अब वो नहीं है। ओके, नाउ मूर्ति फील्स कि मुझे सभी के प्रति, चाहे किसी ने भी उसे
कुछ भी कहा हो, इवन कि बड़े खान ने जिस से सब लोगों को पीटा, तो उसके प्रति भी वो सोच रहे कि काश मैं बड़े खान को भी प्यार कर सकता, मेरे अंदर वो फीलिंग मैं जगा लूँ कि मैं अपने दुश्मन को भी प्रेम करूँ। इफ आई अलोन कुड लव बड़े खान, आई एम श्योर आवर कोज वुड विन। जो अहिंसा का जो मेरा नियम है, अहिंसा के नियम जो गांधी जी का फॉलो कर रहा हूँ, प्रेम का कि सभी को प्यार करें, अगर मैं बड़े खाने का वो प्यार करने लगूँ, प्रेम से बात करूँ तो उससे, तो मैं ये जीत जाऊँगा। मे बी आई सेल लव हिम, हो सकता है मैं उसे प्यार करूँगा विद योर ब्लेसिंग्स, भगवान आपकी ब्लेसिंग्स के से। रंगमा डू नॉट अंडरस्टैंड दिस नीदर टू टेल यू द ट्रूथ, डिड एनी ऑफ अस वी वुड डू हार्म टू नो लिविंग क्रीचर्स, बट टू लव बड़े खान नो दैट वॉज अनदर थिंग। वी वुड नॉट इंसल्ट हिम, वी वुड नॉट हेट हिम, बट वी कुड नॉट लव हिम, हाउ कुड वी, ही वॉज नॉट माई अंकल सन वॉज ही, एंड इवन इफ ही वर। कहते हैं रंगमा डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, रंगमा से बात कर रहा है वो ये इसके बारे में मूर्ति, कि हेटर इज इन अस, जो घृणा है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो रंगमा से डिस्कस कर रहा था और हमें हर किसी को प्यार करना चाहिए, बट कि मैं वो इफ, ये इफ वर्ड है जो, कि काश मैं कर सकता बड़े खान से प्यार और मैं उसे भगवान आपकी ब्लेसिंग से कर सकता हूँ। रंगमा इस बात को समझ नहीं पाती, इतनी गहराई को नहीं समझ सकती वो। नीदर टू टेल दैट यू टू द ट्रूथ डिड यू एनी ऑफ अस, ना ही टू टेल यू द ट्रूथ डिड एनी ऑफ अस, कि क्या कोई हमें से ऐसा कर सकता है। वी वुड डू हार्म टू नो लिविंग क्रीचर्स, कि हम किसी भी क्रीचर्स को नुकसान ना करें, हम बड़े खान से भी क्या प्यार कर सकते हैं। नो दैट वॉज, ये दूसरी बात है, ये दूसरी चीज़ है, हम उसे इंसल्ट नहीं करेंगे, हम उसे हेट नहीं करेंगे, बट हम उससे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे अंकल का बेटा नहीं है, अब मेरे अंकल का बेटा नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। और रंगमा जब वो फास्टिंग पर है तो रंगमा उसके लिए ऑरेंज लेकर आती है, बट ही ओनली ड्रिंक सॉल्टेड वाटर एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज रंगमा, एंड आई कैन नॉट ईट एन ऑरेंज ही सेड। एंड रंगमा थॉट वी वेल ही हैज लॉस्ट हिज रीजन, बट मूर्ति ग्रू कामर एंड सेड गिव मी लिटल सॉल्टेड वाटर, बहुत कमज़ोर हो गए हैं वो, बहुत ही उसकी बॉडी में वीकनेस आ गई है। तो रंगमा उसके लिए ऑरेंज लेकर आती है बट वो मना कर देता है। तो हालांकि वो उसकी बॉडी वीक है तो सभी से वो प्रार्थना करते हैं कि भजन मंदिर में भजन गाया जाए। और जब भजन When the bhajan was over and Sinu was taking round the camphor, Sensor Murthy observed how poor the Brahmin corner was. तो भजन के लिए सभी लोग आ जाते हैं परंतु ब्राह्मण लोग नहीं आते, ठीक है। बहुत सारे लोग स्केफिंगटन कॉफी एस्टेट से भी आते हैं, सीनु वसुदेव गंगाधर, सीनु जो कि चक्का का बेटा है जिसे हनुमान कहा गया है, मूर्ति का जो मैसेंजर है आगे। तो मूर्ति ऑब्जर्व करते हैं कि ब्राह्मण कॉर्नर में बहुत कम लोग हैं, नीदर पटवारी नंजुड़िया नॉर टेम्पल नंजनपा नॉर स्कूल मास्टर देवर रेवर देयर नॉट देयर वाइव्स और नॉर चिल्ड्रन, वो नहीं है, बाकी मैक्सिमम लोग वहाँ हैं। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही ब्रोक द फास्ट एंड लाइटर इन लेम एंड लाइटर इन सोल ही वॉकड आउट टू प्रीच द डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन। तो अगली सुबह वो फास्टिंग खोल देते हैं और बहुत ही हल्का फील करता हुआ वो डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन आंदोलन शुरू करता है। तो रीड दिस चैप्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू।